नानी दानी। नानी दानी। अब पता चल रहा है कि हम बर्थडे कर रहे हैं सुबह पता ही नहीं था तो मैं बर्थडे कर लू हेलो एवरीवान गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी लोग आज है 20 सितंबर और आज है मेरा जन्मदिन और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इतनी सारी विशेष दी इतना सारा प्यार दिया और बड़ों ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया मेरी YouTube फैमिली इतनी बड़ी है इतने मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं इतनी प्यारी सी फैमिली है उन सबका जब आशीर्वाद मिलता है ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है सो मैंने अपनी ये नत आज नई डाल ली है ये वाली नत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ Uh, कहीं जाना होता है रिलेटिव में तो हम मैं ये अयरिंग नज्जरू पहनती हूँ छोटी सी ये एकदम तो चिपकी चिपकी सी लेकिन बहुत प्यारी लगती है सो मैंने ये डाल लिया सोच रही थी एयरिंग्स भी बदलूँ बट फिर नहीं बदली क्योंकि मुझे अभी आदा को स्कूल से लेने भी जाना है आदा स्कूल गई उसका एग्ज़ाम है आज मैथ का तो बस दक्ष अभी उठा था और फिर वो सो गया है उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है अभी साढ़े नौ बज रहे हैं मैं ये वाली जो पुरानी वाली है वो उसमें रख देती हूँ फिर उसने कुछ दिन पहन लूँ उसके बाद फिर इसे दोबारा पहन लूँगी तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ आज आप लोगों को दिखाऊंगी कल रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ी सी चॉकलेट किट कैट की मेरी फेवरेट किट कैट है चॉकलेट तो वो लेकर ला कर रखी हुई थी मुझे पता भी नहीं चला कब ले आए थे कब फ्रिज में छुपा दी होगी और रात को मुझे बारह बजे दिया मुझे विस किया मुझे बहुत अच्छा लगा और सुबह उठते ही मेरी बहन प्यारी प्यारी बहन मेरी राखी का कॉल आ गया मुझे उसने विश किया और हर बार हर जन्मदिन पे कभी रात को बारह बजे या फिर सुबह उठते ही मेरी बहन राखी का फ़ोन ज़रूर आता है वो मुझे सबसे पहले विश करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी तजार रहता है कि मेरी बहन मुझे फ़ोन करने ही वाली होगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो भी होगा आपको दिखाऊंगी जैसा भी होगा ठीक है चलो सो so गाइज आज मेरा जन्मदिन है और मेरा हर एक दिन जैसा ही ये दिन है बस थोड़ा सा अंदर से स्पेशल सा फील कर रही हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है तो बहुत सारे कॉल्स सा आएंगे बधाई भी लेगी और कुछ स्पेशल सा मेरा हस्बैंड मुझे फील कराएंगे हालांकि मुझे मालूम है मेरा हर एक दिन जैसा ये दिन जाएगा झाड़ू लगाना पोछा लगाना घर को क्लीन करना और बच्चों को तैयार करना उनको स्कूल भेजना ये सारी चीज़ें हस्बैंड का टिफिन तैयार करना तो वो सारी चीज़ें तो मुझे करनी ही है जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ सो बच्चे जो मेरी आद्या हैं वो स्कूल जा चुकी है हस्बैंड भी अपने स्कूल के लिए निकल गए हैं टिफ़िन लेकर और मुझे सुबह सुबह विश भी, भी किया था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा मुझे याद रखता है कोई जन्मदिन मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो बस मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में फुल एनर्जी के साथ में सुबह साढ़े चार साढ़े पाँच बजे मैं उठती हूँ और कभी कभी मेरा छः बजे का उठने का टाइम होता है जिस दिन मुझे दक्ष बहुत परेशान करता है उसी दिन मैं सिर्फ लेट उठती हूँ अदरवाइज़ साढ़े पाँच बजे मेरी आँख खुल जाती है हाँ प्रॉपर आँख खुलने में यानी झाड़ू लगाने में मुझे छः बज जाता है तब मैं झाड़ू लगाती हूँ क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद ही मैं अपने और काम निपटाती हूँ जैसे खाना बनाना नहाना धोना वो सारी चीज़ें तो बस ये थोड़े से जो टेबल पे नाश्ता वगैरह करते हैं ना तो इस पर कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है इसलिए मेरे कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ टॉवल जो पड़े थे वो मैंने बाहर धूप लगाने के लिए डाल दी है नहाकर जब टॉवल रहते हैं ना उनको धूप लगाने के लिए डाल दो ना तो सही रहता नहीं तो उसमें हल्की हल्की सी स्मेल आती रहती है और वीक में एक बार अपने टॉवल्स को जरूर धुलना चाहिए सो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा मैसी किचन है उसको क्लीन करने साथ ही साथ अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेने क्योंकि मैंने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी है तो बस थोड़ा सा पानी पीने की इच्छा हुई तो बस पानी पिया है और अपने लिए चाय ले जाऊंगी सो so, आज मैंने खाने में पता है क्या बनाया है सिंपल सा दाल रोटी और कुछ नहीं ये दही जमाया था कल रात को अच्छा ये बोल रहे थे मुझे दाल चावल रोटी बना दो मतलब चावल इनके लिए नहीं बनाए हैं वो चावल कम खाना पसंद करते हैं चावल तो मैंने आध्या को आज टिफिन में फ्राई करके दिए हैं वो कह रही थी मुझे कुछ अलग सा चाहिए तो मैंने वो दिया वैसे भी आध्या का एग्ज़ाम है आज उसका मैथ का एग्ज़ाम है और उसके बाद साढ़े ग्यारह बजे वो वापस आ जाएगी और दक्ष अभी सो के उठा है तो मैंने उसे दूध दिया है कभी कभी मैं ही फीड कराने लगती हूँ बैठ के आज मेरे मुझे मतलब ना ही मेरी क्षमता सी लग रही थी और ना ही मेरी इच्छा हो रही थी कभी कभी होता है कि अब मुझे अपने काम ज़्यादा दिख रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि इसे बोतल ही दे दो तो मैं बोतल दे देती हूँ वो बोतल बहुत कम पीता है फीट पे रहता है लेकिन अब वो खाना भी अच्छे से खाने लगा है तो अब ज़्यादा परेशान नहीं करता है सिर्फ रात को ही परेशान करता है तो बस बेडशीट थोड़ा ठीक कर दिया है और वह को थोड़ा सा प्यार कर रहे नमस्ते बोलो बोलो नमस्ते नमस्ते करो उठ के करो उठ के बैठ के अच्छे से अब बोलो जय नमस्ते अच्छे से है, नमस्ते कल दक्ष ने देखो मेरी पॉलिस लगाई थी मेरी देखा देखी मैंने रिमूव की थी इसमें लगाई थी अच्छा ठीक 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 सॉरी बस हो के उठेगा सबसे पहले मम्मी पापा कहाँ है जीजी कहाँ है क्योंकि तो इसको पता ही है मम्मी तो घर पे ही रहती है बस पापा और दीदी कहाँ चले जाते हैं मेरे उठने से पहले नानी 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 आ जाओ तो नानी आ जाओ नानी तो नो लाइट से नहीं नो आ जाओ यहाँ आओ यहाँ आओ गया। मना कर दिया मम्मा ने अच्छा चॉकलेट कौन खाएगा चॉकलेट खाना है चॉकलेट चॉकलेट चलो दीदी कहाँ है तो दोस्तों अभी ये आध्या को लेकर जब मैं आ गई थी उसके बाद की क्लिप है आध्या और दग दोनों चॉकलेट मांग रहे हैं क्योंकि आध्या सुबह देख ली थी फ्रिज में कि चॉकलेट रखी हुई है ये इतनी बड़ी चॉकलेट है तो इसको देख के ना इसका मन हो रहा था सुबह ही लेकिन मैं इसे बोली थी जब तुम स्कूल से आ जाओगी तब मैं दूंगी एंड ये वाली चॉकलेट जब मैं आध्या को लेने गई थी तब मैंने दक्ष को दिलवाई थी रास्ते में मतलब दुकान से दस रुपये की उसके बाद ये आ, मेरी बड़ी वाली चॉकलेट है जो मैं बाद में इनको खिलाऊँगी क्योंकि बच्चों को बच्चे अगर घर में है तो चॉकलेट फिर मम्मा को कहाँ मिलने वाली है तो बस शेयरिंग इज केयरिंग वाली इन दोनों लोगों को मैं एडवाइस देते हुए ये चॉकलेट अपनी ही शेयरिंग केयरिंग कर ली एंड बस पूरी दोपहर कैसे निकल गई मुझे नहीं पता बस कुछ नहीं किया मैंने आज अपने लिए समय निकाला सीधे शाम का ये शाम की एक क्लिप है और ये मुझसे बोल रहे थे कि चलो आज तुमको ना बाहर डिनर पे लेके चलते हैं हालांकि मैंने इनसे बोला था कि मैं घर पे कुछ अच्छा बना लेती हूँ क्योंकि इस टाइम सच बताऊँ हम लोगों की सिचुएशन भी कुछ डाउन है और ये परेशान रहते हैं कुछ पैसों को लेकर हर एक चीज़ को लेकर तो इसलिए मैं इनसे कभी कोई चीज़ की अब डिमांड नहीं करती हूँ लेकिन फिर इन्होंने जब बोला है कि चलो आज चलते हैं तो मैं तो चलो चलती हूँ तो थोड़े से बाल को स्ट्रेट कर लिया है ये कुर्ता पहन लिया है इसके साथ लेगिंग्स है है, आधा को भी तैयार कर दिया है दख्त को भी तैयार कर दिया है थोड़ा सा अब लग रहा है कि हाँ मैं बर्थडे गर्ल हूँ तो बस अब निकलते हैं ये भी थोड़ी सी तारीफ ही कर रहे थे और मुझे मना रहे थे कि चलो ना प्रियंका मैं बोल रही थी चलो ठीक है हाय गाइस तो मैं हो गई हूँ रेडी कैसी लग रही हूँ मुझे बताना एंड ये मेरा सूट है ये सूट और चुन्नी है लेगिंग्स मैंने अलग से ली थी तो वो डाल रखी है और बस फटाफट से पहनते हैं जूतियाँ और निकलते हैं आज इन्होंने बोला था कि बाहर खाना खाने चलेंगे डिनर तो हनुमान जी को मंदिर भी जाना दर्शन करने तो ये दर्शन करेंगे साथ में उसके बाद फिर हम लोग वहीं पर डिनर करेंगे बाहर कुछ ऐसे अपना बर्थडे है वो सेलिब्रेट हैं सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया बस तो सुबह का खाना बनाया था दाल चावल रोटी बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन अपने आप को दूँ बस फुल रिलैक्स आराम किया आधा को ले आई उसके बाद आराम से खूब सारा लेटी आराम की बाद नींद नहीं आई मुझे एक के बाद एक सरप्राइज़ इन्होंने बना के रखे थे मुझे पता ही नहीं था पहला सरप्राइज मुझे रात को सब बारह बजे दिया मुझे इतनी बड़ी चॉकलेट देकर पिछली बार मुझे रोज़ दिया था और मैं सोच रही थी इस बार भी कहीं रोज़ ना ले आए लेकिन रोज़ नहीं लाए थे बट मुझे रोज़ पसंद है लेकिन उन्होंने मिला नहीं होगा इसलिए तो मेरे लिए चकड़े लेकर आए थे और अभी होटल में खाना खिलाने लाए हैं वो भी सीतापुर का बेस्ट होटल में मोती महल होटल है ये और मुझे यहाँ का खाना सच बताऊँ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा कॉस्टली रहता है मैं यहाँ पर बहुत बहुत रेयर ही आती हूँ क्योंकि एक तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है तो मैं इनसे मना कर देती हूँ लेकिन आज इन्होंने बोला चलो लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं तो मैं चलो चलते हैं फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ ले आ रहे हैं तो खाने में मंगाई थी मैंने यहाँ की स्पेशल पनीर की सब्ज़ी और बटर नान मटर रोटी ना कि नान और फ्रूट रायता था ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं थी फिर क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी हम लोग ट्रैफिक में भी फंस गए थे और फिर आ, इन्होंने मुझसे बोला था कि कुछ और भी प्लान है तो मुझे लगा कि अब क्या है एक के बाद एक सरप्राइज देते जा रहे हो बताए भी नहीं रहे हो और बस आज थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा था सच में ऐसा अच्छा लग रहा था कि हाँ आज मुझे बहुत बहुत स्पेशल फील कराया जा रहा है सर्व करा, करा यहाँ के वेटर ने तो और भी ऐसा लगा स्पेशल फील हुआ बस खाना वगैरह खाया और उसके बाद हाथ वगैरह भी धुलाए तो हाथ वगैरह भी धुला और फिर उसके बाद बस यहाँ से निकले बाहर थोड़ा सा शूट किया ये आध्या कितनी खुश हो रही है नींबू पानी से हाथ धुल कर इतना मज़ा आ रहा है उसको तो बस ये कुछ मोमेंट है जो कि कैप्चर हुए हैं मेरे जन्मदिन के क्योंकि मैं जब भी जब से वीडियोस बनाना शुरू की हूँ यूट्यूब पे मैं अपने जन्मदिन की हर एक क्लिप वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करती हूँ और हर बार का वीडियो कुछ ना कुछ अलग रहता है इस बार का भी कुछ अलग है तो मैंने सोचा था अपने इस जन्मदिन पे मैं कुछ स्पेशल नहीं करने वाली हूँ मैं घर में कुछ अच्छा सा बनाऊँगी और वह खिलाऊँगी और बस ऐसे ही सेलिब्रेट करूँगी लेकिन इन्होंने कुछ मन में प्लान कर रखा होगा तो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ भी सरप्राइज़ दिया जैसे कि यहाँ भी ले आए उसके बाद इन्होंने मुझे बताया ही नहीं जाते टाइम पे मैं सोच रही थी सीधे घर जाएंगे फिर ये बोला चलो बच्चों को ना कुछ दिला देते हैं चॉकलेट या फिर लॉलीपॉप ये सारी चीज़ें तो मोला चलो जब मैं पहुँची तो ये राजस्थानी ले आ गए थे तो यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए पसंद करवाया केक तो मैं इतने सारा केक देख के मैं सोच रही अब खाना भी खा के आई हूँ अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो सबसे छोटा वाला केक मैंने फिर डिसाइड किया पसंद किया फिर उन्होंने वही वाला पैक करवाया एंड बच्चों को ये लॉली पॉप्स हैं वो दिलवाए और ये लॉली पॉप ना दिखने में छोटे छोटे से हैं पच्चीस रुपये का एक लॉलीपॉप है मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही कहाँ हम लोग पाँच पाँच रुपये का लॉलीपॉप ले के खा लेते पाँच का भी नहीं एक रुपये का मिलता था तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो माँ बाप तो ऑलरेडी खुश ही हैं एंड बस मेरा जन्मदिन है और आध्या ये चौ जो ली है ये चॉकलेट मतलब ये लॉलीपॉप तो जब जा रही थी घर तो बोल रही थी मम्मा ये लिए मैंने अपने लिए नहीं लिया है आपको मैं गिफ्ट में दूंगी पैक करके हमने अच्छा लेकिन मैं ये खाऊंगी नहीं तो बोल रही थी कि आप मत खाना लेकिन आ, मुझे दे देना खाने के लिए लेकिन आप ले लेना मेरी तरफ से गिफ्ट एंड मैं भी यहाँ पे हर चीज़ कैप्चर कर रही हूँ तो मेरा फेस देख सकते हो हर चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि हर चीज़ एक हर एक पल में कुछ नया होने वाला है एंड बस घर आके फिर मैंने ये टेबल लगाई और जाहिर सी बात है बच्चे एक्साइटेड रहते हैं बच्चे पहले ही कट कर लेंगे मेरा इधर केक खोलना क्या हुआ दख्त का ऊपर चाकू लेके चढ़ना क्या हुआ जो इसके साथ में चाकू आई हुई थी लकड़ी की वुड की सो बस दक्ष ने पहले मेरे केक कट करने, करने से पहले दक्ष ने केक कट कर दिया था ये केक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ ऐसा है मेरे इस बार जन्मदिन का केक कैसा लग रहा है दोस्तों बताना तो बस ये हमारी छोटी सी फैमिली तो मैंने नीचे दीदी को भी बुला लिया था तो वो भी आ गई थी आ, वो मेरे वीडियोस में थोड़ा बहुत आने लगी हैं पहले नहीं आती थी ये दीदी हैं जो नीचे रहती हैं ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं इनकी अभी न्यू न्यू शादी हुई है और आ, मैं इनको एक बार और आप लोगों से मिलवा चुकी हूँ तो बस यहाँ पे दक्ष ने ही केक कट कर, कर दिया है मेरे हस्बैंड प्लेट वगैरह लेके आए हैं सबको देंगे

हां चलो हम याद कर रहे हैं आपके हस्बैंड को बस आया नहीं है वो दिन भी आए तो शक्ल दिखाया भी नहीं चले बिना शक्ल के ठीक है चलो बाय बाय कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में आज मैंने करुपाय फिर से मिलवाया रुचि से क्या हुआ <laughs> इसकी तो लगती रहती है इसकी के लिए लग रही है कोई बने वो ऐसी है आ वो जरा देर में अपना वो सुस्ती संतोषी बात देखते ये लोग कैसे लगे हुए हैं आप खत्म हुआ एक पार्टी खत्म सो गाइस अब मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाय बाय